राजनीति आप देख रहे हैं देश में, जिस तरह की सरकार पिछले 5 सालों में चली है, आपने खुद समझा होगा क्योंकि आप में बहुत कुछ है और मैं समझती हूँ कि जनता से समझदार, जनता से ज्यादा बने किसी है नहीं। तो आपने खुद देखा होगा कि जो 5 सालों से जो सरकार चली है उनकी नीतियां भी खराब है और उनकी नियत भी खराब है। कि कांग्रेस पार्टी द्वारा स्पेशल स्टेटस जो आपको मिला था, सरकार में आते ही उन्होंने पहले वो हटाया। यहां सिलचर में एक ट्रेन का हब बनने जा रहा था। हमारी जो यूपीए की मुफ्त ईस्ट की पॉलिसी थी उसके जरिए यहां से सिलचर से ही बाकी देशों में और भारत देश के बीच में जो जो ट्रेड होने जा रहा था उससे आपका बहुत फायदा होगा, उसको भी उन्होंने खत्म कर दिया। यहाँ पे जो आपका पेपर मिल है वो कांग्रेस के समय अच्छा चल रहा था, हजारों हजारों रोजगार थे, आज उसकी स्थिति खराब है। आपने बगान के मजदूरों की जो वेतन है उनकी जो मजदूरी है, आपने देखा कि पिछले 5 सालों में उनकी मजदूरी बिल्कुल नहीं बढ़ी। इसका मतलब है कि नीतियां खराब है और नियत खराब है। आपके सामने तरह तरह के प्रचार होते हैं और इनका प्रचार इतना अच्छा है, आप टीवी चलाते हैं तो आपको दिखते हैं, आप अखबार खोजते हैं आपको दिखते हैं, आप रेलगाड़ी में टिफिन खोजते हैं टिफिन देते हैं उनका चेहरा। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, मैं उत्तर प्रदेश में दौरा कर रही हूँ 2 महीनों से, मैं मजदूरों से मिलती हूँ, किसानों से मिलती हूँ, अध्यापकों से मिलती हूँ, महिलाओं से मिलती हूँ, नौजवानों से मिलती हूँ। नौजवान बेरोजगार है, किसान इतना दुखी है, इतना प्रताड़ित है कि पूरी रात उत्तर प्रदेश में बैठता है, पूरी रात अपनी खेत एक की चौकीदारी करने जाती है क्योंकि खेत पशु खा रहे हैं। दिन में उसकी ये हालत है कि वो बोझ जो कर्ज है उसके बोझ में गिरा हुआ है और उसकी मदद के लिए कोई नहीं है। नौजवान हर चौराहे पे हर बाजार में रहता है, उसकी इसको कोई रोजगार नहीं है। महिलाएं असुरक्षित है। आपके यहाँ तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिनका हल बिल्कुल नहीं किया गया। तो आप सोचिए, इतना बड़ा प्रचार, इतना बड़ा प्रचार कि जब मैं वाराणसी गई जहां से प्रधानमंत्री अपना चुनाव लड़ते हैं, जब मैं वाराणसी गई तो मैंने भी सोचा था कि बहुत बड़े काम किए होंगे इन्होंने, बहुत बड़ा विकास होगा। जब मैं वहां पहुंची तो हवाई अड्डे से जाकर शहर पर 15 किलोमीटर की बहुत बढ़िया सड़क बनी थी और मुझे बताया गया कि दीदी सिर्फ यही किया है, इसके आगे तो हो रही है। मैंने पूछा किसी गांव में गए हैं, किसी परिवार से मिले हैं, जवाब आया कि 5 सालों में प्रधानमंत्री जी को 5 मिनट का समय नहीं मिला। वो कैसी नियत है और कैसा प्रचार है। अब आप ही सोचिए कि अपने ही क्षेत्र में जाने का समय नहीं मिला लेकिन अमेरिका में वहां पे गले लगे, चीन गए वहां पे गले लगे, रूस गए वहां पे गले लगे, जापान गए वहां पे भूल बनाया, पाकिस्तान गए वहां पे बिरयानी खाई। एक क्षेत्र में एक गांव के अंदर एक परिवार का आशा पूछने नहीं करता। आप समझ सकते हैं कि प्रचार एक है और जो असलियत है वो कुछ हो, और जो असलियत है उसे आप जी रहे हैं, आप हो रहे हैं। आप और आज भी इंदिरा
को याद करते हैं तो इसलिए करते हैं क्योंकि इंदिरा जी ने आपके लिए काम किया। और आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं यहाँ सिलसिल क्यों आई, मैं सुष्मिता के लिए आई, सुष्मिता में वो हिम्मत है जो इंदिरा जी ने दी, क्योंकि सुष्मिता में वो सच्ची नियत है, वो अच्छी नियत है जो इंदिरा जी ने दी, वो आपके लिए दिल से काम करना चाहती है। मैंने इनको दिल्ली में देखा है प्रदर्शन में महिला कांग्रेस के लिए, कभी कहीं सड़क में बहुत नारे लगा रही है, कभी आपकी आवाज उठाने वाली सुष्मिता जी है। और राजनीति में अगर आपकी आवाज उठे, अगर आपका प्रतिनिधित्व हो, तो इससे बढ़कर आप कहीं नहीं कुछ लिया, क्योंकि ऐसा नेता जो समझे, जो दिल से समझे कि सत्ता आप में भी है, कि उन्होंने आपको नेता बनाया है, जनता ने आपको नेता बनाया है, ऐसा नेता जो समझे कि सत्ता अपने भी है, कि जनता ने इनको बनाया है, जिसके मन से ये बात कभी नहीं हटे, जो ये अच्छी तरह समझे कि बनाने वाले आप हैं और आपके प्रति समर्पित रहे, ऐसे नेता सुष्मिता जी है। वोट डालने जाएंगे तो मेरी ये बात याद रखिए, नीतियां और नियत दोनों सही होनी चाहिए। और आपको मालूम होगा कि कांग्रेस पार्टी के जो नए घोषणा पत्र में है, बहुत चीजें ऐसी चीजें लिखी हैं जो आपकी भलाई के लिए हैं। आपको घोषणा पत्र ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम समझते हैं कि वोट है, नेता आता है, भाषण देता है, वहां जाके अपना मन बनाते हैं, लेकिन घोषणा पत्र पढ़िए। एक घोषणा पत्र जो भाजपा का है, उसमें अलग अलग संस्कृतियों, अलग अलग धर्मों, अलग अलग तरह के रहन सहन के लिए कोई वजह नहीं है, संविधान के लिए कोई आदर नहीं है। दूसरी कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र है, दूसरी तरफ जिससे एक ऐसी योजना है जिससे हर गरीब परिवार को 72,000 रूपये सालाना मिलने का, जिसमें ये योजना है कि सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य की जांच, स्वास्थ्य का इलाज मुफ्त होगा, जिसमें ये लिखा है कि बालवी का स्वागत सरकारी पाठशालाओं में पढ़ाई मुफ्त होगी, जिसके कण कण में संविधान का आदर है। आज एक महापुरुष का जन्मदिन है, अम्बेडकर जी का जन्मदिन है, जिन्होंने इस देश का घी की नींव इस देश के संविधान के द्वारा डाली, उस संविधान का आदर करना, इस देश के हर राज्य का, इस देश के हर व्यक्ति का धर्म होता है। आज आप देख रहे हैं कि उस संविधान का आदर नहीं हो रहा है, उसे नष्ट करने की कोशिश हो रही है। तो आप इन चीजों को अच्छी तरह से समझिए, अपने आप को जागरूक रखिए, जानकारी लीजिए कि कौन सी पार्टी मेरे लिए क्या कर रही है, कौन सा नेता क्या कर रहा है, और जो नेता आपके लिए सुशुभता के करे काम करे, उसी नेता को आगे बढ़ाइए, उसी नेता को जिताइए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी देर से इंतजाम किया। अच्छा, और ऐसे उम्मीदवार जैसे सुष्मिता जी हैं, वैसे पूरे असम में हमने ऐसे ही उम्मीदवार चुने हैं आपके लिए जो अच्छी तरह से काम करेंगे। तो सोच समझ के अपना वोट डालिए। 14 के 14 कांग्रेस के उम्मीदवारों को जो सरकार आपकी समस्याओं को समझने की कोशिश नहीं करती, जो सरकार
सत्ता सिर्फ सत्ता को बटोर के अपने लिए रखना चाहती है, ये नहीं समझती कि सत्ता जनता की है, कि सरकार जनता की होनी चाहिए, कि राजनीति जनता के हित में होनी चाहिए। ऐसी सरकार को हटा दीजिए, उनको हरा दीजिए और एक नई सरकार।